दोस्तों आज मैं आपके साथ एक नवरात्रि स्पेशल फराड़ी पैटिस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम एक खट्टी मीठी फीलिंग डालेंगे और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी वड़ा बनाएंगे जो बहुत ही डिलीशियस लगता है। साथ ही में एक स्पेशल चटनी बनाएंगे जो इस पैटिस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले पैटिस कैसे बनता है वो देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा चावला, वेलकम टू माय चैनल चावलास कुकिंग। दोस्तों आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे इजी रेसिपीज अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं बॉइल्ड। मैंने अब एक मेशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लेना है जब तक इसमें कोई बड़ी बड़ी गुठलियाँ नहीं रह जाती है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे बड़ी परात में डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैश किया हुआ आलू साइड में निकाल लेते हैं स्टफिंग के लिए। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक या रेगुलर नमक ऐड कर लेना है। साथ ही इसमें बाइंडिंग ऐड करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ समा के चावल का आटा, जिसे बगर का आटा भी कहते हैं। इसे मैंने 2 चम्मच डाला है। अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो आप आरारोट का पाउडर भी ले सकते हैं। आप इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहना है जब तक ये परात को छोड़ने ना लगे और ये जो मिक्सचर है वो स्टिकी ना लगे। मैंने इसमें 2 चम्मच आटे का यूज़ किया है, मुझे ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल गई है। आप चाहो तो उसमें 1 चम्मच और पाउडर का यूज़ करके एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बना लीजिए। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है, इसे ढककर साइड में रख देते हैं जब तक इसकी स्टफिंग बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नारियल लिया है, इसे मिक्सचर में थोड़ा मोटा पीस लें या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। 1 मीडियम टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 हरी मिर्च, इनको पीस लें मिक्सर में। अब ये जो मैश किया हुआ आलू बचा के रखा था उसमें घिसा हुआ फ्रेश नारियल, 1/4 कप रोस्टेड चॉप्ड पीनट्स, 1/4 कप चॉप्ड काजू, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच किशमिश, टेस्ट के हिसाब से नमक और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इन्हें अच्छे से मिला लेना है। इसमें और 2 चीज़ों को ऐड करना है, जो है 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर और 2 टीस्पून नींबू का रस। इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फीलिंग जो है उसके बॉल्स बनाकर देखें, अगर ये जुड़ नहीं रही है तो थोड़ा उसमें मैश किया हुआ आलू डाल दें। अब हमारी जो फीलिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब इस फीलिंग के छोटे छोटे बॉल्स बना देते हैं इस तरह से। ये सारी फीलिंग्स के छोटे छोटे बॉल्स बना लें। अब इस फीलिंग के ऊपर एक लेयर इस आलू के मिश्रण की लगानी है। तो ये फीलिंग से हल्का सा मिश्रण लेकर एक थोड़ा बड़ा गोल कर लेना है। जब आप कंपेयर करेंगे तो आलू का मिश्रण थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कंपेरेटिवली ये जो हमने बॉल्स बनाए हैं। इसी तरह से आलू के भी सारे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। अब आलू का मिश्रण ले लीजिए, उसे हथेली पर इस तरह से प्रेस कीजिए, हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा दें, इस तरीके से इसे फ्लैट कर दीजिए। अब इसके अंदर फीलिंग वाला बॉल्स रखकर इस तरीके से हल्के हाथों से कवर कर लेना है और दोनों हाथों की हेल्प से राउंड राउंड गोल घुमाते हुए एक राउंड शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट राउंड पैटिस बन चुका है। और अगर आप इसकी टिक्की बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा फ्लैट कर दें। इसके बाद इसे हम हल्का सा पाउडर से कोट करेंगे। एक प्लेट में इस तरीके से थोड़ा समा के चावल का आटा पैटिस के ऊपर लाइटली कोट कर दीजिए। अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो आप आरारोट से भी कोट कर सकते हैं। इस तरह से हाथों से जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लें। इसी तरह से आपके सारे पैटिस आपको तैयार करने हैं।
अब इन पैटिस को 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। जब तक हम इसके कॉम्बिनेशन की एक उपास की चटनी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। एक ब्लेंडिंग जार में 1 कप फ्रेश हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्च, 1/4 कप रोस्टेड पीनट, 3 चम्मच घिसा हुआ फ्रेश नारियल, 1/2 कप दही, नमक स्वादानुसार और आप चाहो तो 1 चम्मच शक्कर डाल दें। फिर इन सबको अच्छे से पीसकर इसकी चटनी बना देनी है। अगर आपको ऐसा लगे कि पानी डालने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक फाइन चटनी पीस लें। तो आप देख सकते हैं हमारी फराड़ी चटनी रेडी हो चुकी है। अब इस पैटिस को फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब मीडियम हाई फ्लेम पर इन पैटिस को फ्राई कर लेते हैं। पैटिस को तेल में डालने के बाद इसे 1 मिनट तक बिल्कुल भी कड़छी नहीं चलानी है, क्योंकि ये पैटिस जल्दी से टूट भी सकते हैं, ये बात का ध्यान देना है। 1 मिनट के बाद चम्मच ले लीजिए और चम्मच की मदद से धीरे धीरे इन्हें गोल घुमाइए। इसी तरह से चम्मच को गोल गोल घुमाते रहें ताकि जो पैटिस है वो घूमते रहें और सारे साइड से प्रॉपर फ्राई हो जाए। इस तरह से पैटिस फटेंगी नहीं और सारे पैटिस में एक प्रॉपर कलर आ जाएगा। इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं सारे पैटिस अच्छे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पर इन्हें छन्नी में निकाल कर उसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकाल देते हैं। ये वाले जो पैटिस बनते हैं वो बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इसकी जो फीलिंग है उसका तो कहना ही क्या। तो पैटिस कैसे बनते हैं मैंने आपको सारी डिटेल इसका बता दिया है, और इसके साथ जो चटनी बनाई है वो चटनी और पैटिस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताएं, और शेयर कीजिए इसे अपने डियर वंस को। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक रेसिपी। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ़ यू।